बताइए मार्शल आर्ट है क्या सर? मार्शल आर्ट बिना किसी हथियार के अपनी रक्षा, आत्मरक्षा व सुरक्षा करना मार्शल आर्ट है। इंडिया की देन है, कुछ लोग कहते हैं विदेश की देन है, लेकिन सच तो आप ही बता सकते हैं, तो आप ही जी बताएं। सर जरूर, विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट भारत की है जी। कलारीपयट्टू जो साउथ की मार्शल आर्ट है वहाँ खेली जाती है, वो भारत की ही सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट जो जन्मी उसको जो भगवान शिव से इसको अवतरित माना जाता है, और भगवान परशुराम जो पहले मार्शल आर्टिस्ट इसके माने जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये मार्शल आर्ट गौतम बुद्ध के द्वारा काफ़ी सारे कंट्रीज़ में धीरे धीरे फैलती चली गई, और कुछ थोड़ी सी हमारे यहाँ दिक्कत रही कि हम लोगों ने इसको नहीं देखा, और जैसे जापान है, चाइना है, इन्होंने उसको मॉडिफाई किया और अपनी मार्शल आर्ट के बारे में बताते चले गए। मतलब इसका मार्शल आर्ट का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इससे हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं सर? मार्शल आर्ट का दैनिक क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए? मार्शल आर्ट का दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग है, जैसे मान लीजिए अभी एक छोटा सा बच्चा, अगर हम उसको जो उसकी डेली लाइफ है उसको अगर हम वॉच करें, फिर उसको हम अगर किसी भी मार्शल आर्ट में या किसी भी गेम में अगर उसको डालते हैं तो उसकी एक्टिवनेस आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके बढ़ रही है। सपोज दैट अगर आपके कोई भी चीज़ कोई इंसान कुछ भी अटैक करता है तो आप नॉर्मली उसको देखेंगे, जब तक वो आपके आएगी आप उसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट जैसे ही वो उसके पास तक आता है उसको तुरंत डिफेंस कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट के लिए। सर मार्शल आर्ट करने के लिए शरीर को कितना फिटनेस रखना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि शरीर में कितनी क्वांटिटी, किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रख सकते हैं ताकि हम उसे प्रॉपर तरीके से सीख सकें? डाइट सबसे पहली चीज़, और दूसरा है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि हम चार दिन या पाँच दिन मार्शल आर्ट करें और उसके बाद में हम मार्शल आर्टिस्ट हो गए, नहीं। आप देखेंगे जैसे एक पेड़ है, अगर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फल लगे हैं तो वो झुक जाता है जी। तो इसी तरह से कंटिन्यूस ट्रेनिंग हम लोगों को करनी है, और जितनी मार्शल आर्ट की हम ट्रेनिंग करते रहेंगे, जो उसकी को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वही उतनी शार्प होती चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दीपक कुमार दुबे, आज HBN न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में आए ऐसे अध्यापक जिन्होंने न जाने कितने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी, कितने टीचर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी, जिनका शुभ नाम है मिस्टर भुवनेश कुमार, आज हमारे बीच में आए हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आज तक उनका अनुभव कैसा रहा और मार्शल आर्ट है क्या। सर HBN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आपसे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से एक अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश कुमार शर्मा है, मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में 5th ब्लैक बेल्ट और क्वांकिडो मार्शल आर्ट से ब्लैक बेल्ट, ताइक्वांडो का उत्तर प्रदेश से नेशनल रेफरी और नेशनल इंस्ट्रक्टर, मैंने भारतीय खेल प्राधिकरण साई से NIS कोर्स भी किया हुआ है। सर मेरा सबसे पहला सवाल है, जैसे कि आपने अपने बारे में इतना कुछ बताया, ब्लैक बेल्ट में आप मार्शल आर्ट जी सर, तो सर ये मार्शल आर्ट है क्या सर? मार्शल आर्ट बिना किसी हथियार के अपनी रक्षा, आत्मरक्षा व सुरक्षा करना मार्शल आर्ट है। इसके बारे में कुछ बताएं सर, ये कहाँ की, किस कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से इसको आपने इस्तेमाल किया, किस तरीके से हम इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, आप बताइए सर। ये इंडिया की देन है, कुछ लोग कहते हैं विदेश की देन है, लेकिन सच तो आप ही बता सकते हैं, तो आप ही जी बताएं। सर जरूर, विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट भारत की है जी। कलारीपयट्टू जो साउथ की मार्शल आर्ट है वहाँ खेली जाती है, वो भारत की ही सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट जो जन्मी उसको जो भगवान शिव से इसको अवतरित माना जाता है, और भगवान परशुराम जो पहले मार्शल आर्टिस्ट इसके माने जाते हैं।
उसके बाद मैं यहाँ से ये मार्शल आर्ट गौतम बुद्ध के द्वारा काफ़ी सारे कंट्रीज़ में धीरे धीरे फैलती चली गई। और कुछ थोड़ी सी हमारे यहाँ दिक्कत रही कि हम लोगों ने इसको नहीं देखा, और जैसे जापान है, चाइना है, इन्होंने उसको मॉडिफाई किया और अपनी मार्शल आर्ट के बारे में बताते चले गए। मतलब उन्होंने हमारे ही मार्शल आर्ट को हमारे सामने मॉडिफाइड करके रिप्रेजेंट कर दिया और आज वो उसको अपनी मार्शल आर्ट बताते हैं, उसका अपना नाम दे दिया। जैसे कि चाइनीज लोग अक्सर करते हैं, जैसे कराटे है, ताइक्वांडो है, जूडो है, कुंफू है, वुशु है, ये सारी मार्शल आर्ट हैं, लेकिन ये सब कलारीपयट्टू का ही मॉडिफाइड रूप है। सर, इसका मार्शल आर्ट का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इससे हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं सर? मार्शल आर्ट का दैनिक क्यों ये जरूरी है हमारे लिए? मार्शल आर्ट का दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग है। जैसे मान लीजिए अभी एक छोटा सा बच्चा, अगर हम उसको जो उसकी डेली लाइफ है उसको अगर हम वॉच करें, फिर उसको हम अगर किसी भी मार्शल आर्ट में या किसी भी गेम में अगर उसको डालते हैं तो उसकी एक्टिवनेस आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके बढ़ रही है। सपोज दैट अगर आपके कोई भी चीज़ कोई इंसान कुछ भी अटैक करता है तो आप नॉर्मली उसको देखेंगे, जब तक वो आपके आएगी आप उसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट जैसे ही वो उसके पास तक आता है उसको तुरंत डिफेंस कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट के लिए। सर, मार्शल आर्ट करने के लिए शरीर को कितना फिटनेस रखना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि शरीर में कितनी क्वांटिटी, किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रख सकते हैं ताकि हम उसे प्रॉपर तरीके से सीख सकें? डाइट सबसे पहली चीज़, और दूसरा है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि हम चार दिन या पाँच दिन मार्शल आर्ट करें और उसके बाद में हम मार्शल आर्टिस्ट हो गए, नहीं। आप देखेंगे जैसे एक पेड़ है, अगर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फल लगे हैं तो वो झुक जाता है जी। तो इसी तरह से कंटिन्यूस ट्रेनिंग हम लोगों को करनी है, और जितनी मार्शल आर्ट की हम ट्रेनिंग करते रहेंगे जो स्किक को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वही उतनी शार्प होती चली जाएगी। सर, मार्शल आर्ट के बारे में सुना है या किसी भी कला के बारे में सुना है कि जब तक डिसिप्लिन ना हो इंसान के अंदर तब तक वो उस चीज़ का हुनर प्राप्त नहीं कर सकता, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन गेम है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो कोचेस हैं या सीनियर्स भी हैं हमारे, तो इतना है कि हम लोग अपने सीनियर्स के सामने नहीं बैठ सकते, पूरी तरह से हमें उनको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और मार्शल आर्ट तो एक इतना ज़्यादा गेम है कि अगर मान लीजिए अगर हम फाइट कर रहे हैं, फाइट करते टाइम पर हम मान लीजिए अग्रेसिव हो गए और हमने कोई भी चीज़ गलत कर दी तो हमें तुरंत वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। okay. मतलब हमें रूल्स और रेगुलेशन के अंदर रहकर ही खेलना है, इसलिए वर्ल्ड का मोस्ट डिसिप्लिन गेम ये माना जाता है। जैसे कि मिलिट्री में सर। जी सर। सर, आपकी किस उम्र से अपने स्टार्ट किया ये, और कब ये सोचा कि अब ये मुझे एज ए प्रोफेशन यूज़ करनी चाहिए, इसके लिए मुझे स्टूडेंटों के बीच में जाना चाहिए, ये कब आपने सोचा और आपकी सोच क्या है कि आप कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं? अभी जैसे कि आप काफ़ी सारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, संस्थानों में जाके आप बच्चों को टीचिंग देते हैं, तो आपकी सोच क्या है और आपने कब स्टार्ट किया सर? मार्शल आर्ट में आप लोगों को शायद सुनकर भी हंसी आएगी, मार्शल आर्ट मेरे पिताजी को ये था कि वो सीखना चाहते थे और वो नहीं सीख पाए किसी कारणवश, कुछ फैमिली कंडीशंस उनकी ऐसी रहीं, तो उन्होंने चाहा कि मैं सीखूं। जिस पहले दिन वो मुझे पकड़ के लेके गए तो मुझे बहुत रोना आया। फर्स्ट डे ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग के बाद बहुत थक गया, मना किया, उन्होंने कहा नहीं मैं लेके जाऊंगा। कंटिन्यू वो दो महीने तक मुझे लेके जाते रहे और दो महीने के बाद फिर मैं अपने आप जाने लगा और मेरी कंटिन्यूस ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। जिस समय मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन की थी उस समय मैं 6 साल का था। और अभी आपका क्या सोच है कि आप कहाँ तक उसको, कितने स्टूडेंट आपको गाइड करना चाहते हैं सर? आप कितने संस्थानों से जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ में ही या अलीगढ़ से बाहर भी? मैं अलीगढ़ से बाहर भी कई संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ट्रेनिंग देने के लिए मोस्टली जाता रहता हूँ और अलीगढ़ में भी मोस्टली जितने भी स्कूल्स हैं उसमें हमारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर और मार्शल आर्ट टीचर। तो सर, अभी आप, मैंने जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सिर्फ आप स्टूडेंट को ही नहीं टीचर को भी ट्रेन करते हैं। जी सर, मैं टीचर्स को टीचर्स को किस तरीके के टीचर्स को ट्रेन करते हैं, मार्शल आर्ट की टीचर्स को या अदर किसी सब्जेक्ट की टीचर को या किसी स्कूल टीचर को? नहीं सर, मार्शल आर्ट टीचर्स को भी करता हूं, और अगर किसी सब्जेक्ट टीचर को ये सोचना है कि हाँ मैं कुछ सीखना चाहता हूं मार्शल आर्ट के अंदर तो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। सर, आपको तकरीबन कितने साल हो चुके हैं अब ये सब कुछ सिखाते हुए? पहले तो आपने सीखा होगा। जी, 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 जी। सीखने में आपने काफी टाइम दिया होगा जी। उसके बाद अभी आपको कितना टाइम हो गया है अपनी कोचिंग देते हुए, अपनी ट्रेनिंग? मैंने 1999 तक मैंने ट्रेनिंग करी और 2000 में जब मैं ब्लैक बेल्ट हो गया उसके बाद में मैंने सिखाना शुरू किया। 2000 से लेकर के अब तक मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग देता चला आ रहा हूँ। अभी तक सर आपके सिखाए हुए बच्चों में से जिनको आपने ट्रेन किया है कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अपर क्वालिफाई गए होंगे, कंपटीशन लड़े होंगे? अराउंड 250+ स्टूडेंट मेरे जो नेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरे यहाँ से एक बच्ची जिसने स्कूल नेशनल गेम्स, जो कि आप ये मान लीजिए कि जो बच्चा पढ़ता है स्टार्टिंग से लेकर के 12th क्लास तक उसमें सबसे बड़ा गेम माना जाता है, उस स्कूल नेशनल गेम्स में अलीगढ़ की वो पहली लड़की थी जिसने मेडल दिया और अभी तक और किसी बच्चे ने वो मेडल नहीं दिया।
और वो बच्ची इस समय दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा से अपना ग्रेजुएट कर रही है। दूसरा मेरा एक स्टूडेंट है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में है जो एमपीएड कर रहा है वहाँ से, और एक स्टूडेंट अभी राज्यपाल पुरस्कार के लिए उसका नाम लिखा गया है उत्तर प्रदेश से, उसने वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में। जी तो सर अभी आपने क्या सोच बना रखी है, अभी आपके जो पर्टिकुलर आप जो स्टूडेंट अपने ट्रेन कर रहे हैं जी जी जी, और अभी जो आप पहले ट्रेन कर चुके हैं बहुत खुशी होती होगी सर जो बंदे जी सर जरूर ट्रेन करे हुए जो स्टूडेंट है ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, तो अभी आपने अपना पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रखा है या कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं? जी नहीं सर, पर्सनल मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो खुला हुआ है, और वहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मान लीजिए कभी भी, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके पास उनकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसको कर पाए, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ वेलकम है, कोई फीस हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। मेरा अगला सवाल सर यही था जी सर कि जैसे कि जो हमारे शहर के आमतौर पर बच्चे हैं जिनकी फैमिली कंडीशन ठीक है जी सर, वो पेड भी कर देते हैं ठीक है आप, क्योंकि चार्जेस की बना तो जी जी जरूर जरूर जरूर, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जो फिटनेस पे ध्यान देते हैं लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, या तो उनके पास पहुंच नहीं पाती चीजें जी 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 जी, या वो अवेयर नहीं हो पाते, या कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं जिनके अंदर जुनून तो बहुत होता है लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी सी नहीं सर, कुछ प्लेयर्स के लिए आपने कुछ क्या ऐसा नहीं सर, मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि किसी का नाम लेने से नहीं, नहीं सर बिल्कुल आपको बताना चाहिए क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है सर क्योंकि आपकी डिटेल्स होंगी हमारे जी 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 मेरे पास, तो वो लोग आपसे जुड़े हमें तो बहुत खुशी होगी, अगर कोई भी ऐसे बच्चे आपसे जुड़े हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है मेरे उनके अंदर जुनून है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में भी लग चुके हैं जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया था, वो खेले और स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू उन्होंने जॉब ली, एयरफोर्स में भी हैं, और कई सारे स्टूडेंट अभी भी मेरे पास में जिनके पास वर्क नहीं है, मैंने उनको अपनी एकेडमी दे रखी संभालने के लिए, सारा कुछ पेमेंट वगैरह सब वही रखते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। सर जैसे कि शहर के अंदर आपके पास किस टाइप के जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं, गर्ल्स ज्यादा आती हैं या बॉयज ज्यादा आते हैं? सर मेरे पास सर सभी तरह के सभी तरह के स्टूडेंट हैं सर, गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, मेरे पास मोस्टली छोटे बच्चे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि लोग छोटे बच्चों को सिखाना कम पसंद करते हैं, और मैं कहता हूँ कि एक प्लेयर वहीं से तैयार होता है बिल्कुल, अगर उस छोटी एज के बच्चे को आप लेकर के कंटिन्यूस लेके आएंगे तो उतना फिर कोई अच्छा प्लेयर भी नहीं निकल सकता, सर एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है जी 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 सर, चाहे उसे मोल्ड कर जी 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 जी। हमारे साथ थे आज भुवनेश्वर जी जिन्होंने न जाने कितने स्टूडेंट्स तैयार किए, कितने कॉम्पिटिशन लड़वाए, कितने बच्चे उनके गवर्नमेंट जॉब में गए सरकारी कोटे में स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू। सर की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र नीचे तबके के लोग जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सर की डिटेल्स हमारे चैनल पे होगी। मैं दीपक दुबे कैमरामैन पंकज के साथ HBN न्यूज़ अलीगढ़, धन्यवाद।